लाभ पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और विस्तार से खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जो कि आज होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मुहर लगेगी। एमपी छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों पर मंथन होगा और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है उस पर भी आज नाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि मंथन का दौर लगातार बीते कई दिन से जारी है और अब इसको अंतिम रूप दिया जाएगा जब नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि इंतजार था कि आखिर मध्य प्रदेश की वो 5 सीटें आखिर कौन होगा उस पर प्रत्याशी, उस पर भी बीजेपी विचार विमर्श कर रही थी, लगातार कर रही थी, उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है, बेहद ही खास उस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि लगातार मंथनों का दौर कांग्रेस में चल रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द इस बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम जो है सामने होंगे। मध्य प्रदेश के उम्मीदवार भी, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार भी जल्द सामने होंगे। तो वही छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में नाम तय हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी में संभावित नाम तय हुए हैं। तो संभावित नाम आखिर कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं, राजनांदगांव का जिक्र कर लेते हैं, भूपेश बघेल यहां से हैं। वहीं बिलासपुर का जिक्र करें तो सहदेव हैं, बस्तर से दीपक बैज हैं, कोरबा का जिक्र करें तो ज्योत्सना महंत हैं। कुछ ऐसे ही नाम आगे हम आपको और दिखाते हैं जिसमें कि दुर्ग से ताम्रध्वज साहू हैं। ये वो संभावित नाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि मंथन का भी दौर और चर्चा का दौर भी लगातार जारी है। रायपुर से विकास उपाध्याय हो सकते हैं उम्मीदवार, जांजगीर चांपा से शिव डहरिया हो सकते हैं उम्मीदवार। तो ये कांग्रेस की लिस्ट है, कांग्रेस की संभावित लिस्ट, जिसमें कि उम्मीदवारों के साथ साथ आपको लोकसभा सीट भी हम बता रहे हैं। तो संभावित नाम है, आपको लगातार हम ये संभावित नाम बता रहे हैं, हालांकि कौन कौन से नाम फाइनल होंगे ये लिस्ट में सामने आ जाएगा, क्योंकि मंथन चल रहा है और आज बैठक भी है। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, दोनों लिस्ट जल्दी जारी हो जाएंगी। आज भी बैठक होने वाली है, बेहद खास ये बैठक होगी। मंथन जो है लंबा चला है उस पर मुहर आज इस बैठक में लगेगी। ये संभावित नामों का हमने जिक्र किया, टी एस सहदेव हैं, भूपेश बघेल हैं, दीपक बैज हैं, कि तमाम वो बड़े नाम हैं जिनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। तो ये नाम आपको बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो ये बैठक है होगी, और राजनांदगांव का जिक्र करें, भूपेश बघेल कोरबा से ज्योत्सना महंत हो सकती हैं, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू हो सकते हैं, रायपुर से विकास उपाध्याय हो सकते हैं, जांजगीर चांपा का जिक्र करें तो यहाँ से शिव डहरिया हो सकते हैं। तो ये तमाम वो नाम है, संभावित नाम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये मैदान में उतारे जा सकते हैं कांग्रेस की ओर से। तो ये वो संभावित नाम है कांग्रेस के जिन्हें हम दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं सीट और किस किस के बीच मुकाबला हो सकता है। तो सीट है देखा जाए अगर तो बिलासपुर, और इसमें तोखन साहू सामने है और टीएस सिंहदेव कांग्रेस की तरफ से सामने रहेंगे, तो आमने सामने ये दो नेता। बस्तर का जिक्र करें, महेश कश्यप है, इनके सामने दीपक बैज रहेंगे। राजनांदगांव का जिक्र कर लिया जाए तो संतोष पांडे हैं और भूपेश बघेल रहेंगे। वहीं कोरबा है, यहाँ से सरोज पांडे हो सकते हैं, ज्योत्सना महंत हो सकती हैं। दुर्ग का जिक्र करें तो विजय बघेल हैं, उनके सामने ताम्रध्वज साहू हो सकते हैं। बिल्कुल, संतोष पांडे उनके सामने हो सकते हैं, भूपेश बघेल के सामने। इसके अलावा अगर राजनांदगांव के अलावा अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो यहां पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है लेकिन, और इस हाई प्रोफाइल सीट पर आप देख रहे हैं कि भूपेश बघेल एक तरफ, जहां सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे चुनाव हो सकता है, और दूसरी तरफ संतोष पांडे जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। अभी भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 14 या 15 मार्च को हो सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये कहा भी जा रहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। तो चुनाव की रणभेरी बजेगी, क्योंकि 14 या 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, और कहा जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं।
2019 की भी एक बार आपको याद दिला देते हैं। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अप्रैल 11 से पहला फेज शुरू हुआ था, 23 तारीख को मतगणना हुई थी। अब देखना होगा कि आखिर तारीख क्या होते हैं, कितने फेज होते हैं, कितने फेज में चुनाव संपन्न होता है और नतीजे कब आएंगे। तो चुनाव की रणभेरी बजेगी, 14 से 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ये भी बता दें चुनाव आयोग दिल्ली में इसका ऐलान करेगा। 14 या 15 मार्च से आचार संहिता भी लगने की पूरी उम्मीद है और वो भी कहा जा रहा है कि 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 14 या 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 7 चरण जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, राज्यों के दौरे पर चुनाव की तैयारियों का आकलन भी कर रही है टीम। 13 मार्च को आयोग की टीम का दौरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे ये दौरा खत्म होगा 14 या 15 मार्च को ऐलान हो सकते हैं चुनाव की तारीखों के। 2019 से 2024 सात चरणों में चुनाव संभव है। बता दें 90 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा भी इसमें लिया है। 96.8 करोड़ वोटर्स इसमें शामिल होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होना बताई जा रही है। दरअसल ये हम आपको बता रहे हैं 2019 और 2024 की, 2019 में कब वोट हुए थे और 2024 में कब हो सकते हैं और क्या अभी संभावनाएं हैं। तो 2019 में 90 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2024 में इस बार वोटर्स की संख्या बढ़ी है, 96 करोड़ के लगभग वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। 23 मई को नतीजे 2019 में आए थे, तो मई के अंत तक 2024 में नतीजे आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, तो संभावना 2024 की भी यही है कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या 2019 में हुआ था और 2024 में संभावना क्या है कि हो सकते हैं। लेकिन इंतजार अभी करिए क्योंकि 14 या 15 मार्च को तारीखों का ऐलान होगा। आगे बढ़ेंगे और बात चित्रकूट की भी करेंगे। चित्रकूट में मंदाकिनी घाट परियोजना का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। मंदाकिनी घाट का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये भी बता दें 100 करोड़ से ज्यादा की अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण होगा, भूमि पूजन होगा। सिंगरौली के दौरे पर भी रहेंगे सीएम। आपको ये भी बताएं कि 229.55 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन इस दौरान किया जाएगा और साथ ही रोड शोज भी होंगे, जनसभा भी होगी और जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। मंदाकिनी घाट परियोजना का भूमि पूजन वर्चुअली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जुड़ेंगे। बेहद ही खास प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे इसके भूमि पूजन के लिए। और चलिए अब आगे बात साय कैबिनेट के अहम फैसलों की। आखिर क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नए विभाग का गठन किया जाएगा, सुशासन एवं अभिशरण विभाग भी खुलेगा। वहीं राजीव नगर आवास का नाम बदला गया है, एनआईए की तर्ज पर एसआईए भी बनेगी। तो ये बड़े फैसले हैं, अहम फैसले हैं जो साय कैबिनेट ने लिए हैं। साय कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में जो अहम फैसले लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आतंकवाद नक्सलवाद पर काम किया जाएगा। इसके अलावा एसपी सहित 74 अधिकारियों की तैनाती होगी। राज्य नीति आयोग का गठन भी किया जाएगा और छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। कृषि उन्नति योजना प्रदेश में लागू होगी। इसके अलावा 19,000 से भी ज्यादा रुपए सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। उन्नति योजना के क्रियान्वयन, खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी, ये निर्णय लिया गया। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, 19,257 ये 3100 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब आएगा। मंत्रिपरिषद ने दूसरा निर्णय जो महत्वपूर्ण लिया, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी सरकार के समय जयप्रकाश
नारायण सम्मान निधि नियम 2008 बनाया गया था, जिसे 2000 में बंद कर दिया गया था। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया मथुरा पर। सीएम ने कहा कि पीएम मथुरा में भगवान कृष्ण का स्वागत करेंगे। मामला जल्द ही अदालत में सुलझेगा। अयोध्या के बाद मथुरा में स्वागत करेंगे। क्राफ्ट हैंडलूम के उद्घाटन में सीएम बोले, आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, लेकिन इसमें आप सबकी भूमिका रहेगी। ये अलग बात है कि हम में से सबकी इच्छा होती है कि हमारे सारे के सारे देवस्थान आनंद के साथ, अभी यहां मुझे मालूम पड़ा अपने इस स्थान पर भी जागेश्वरी देवी, बिजासन माता, ये सारी माताओं के मंदिर में भी निर्माण कार्य करना बाकी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस स्थान पर भी नए निर्माण करा करके अपने देवस्थान को जगमगाए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। एससीसीएल के कार्यालय में आग लगी है। मौके पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर एससीसीएल के कार्यालय में ये भीषण आग लगी। तो ये आग दिखा रहे हैं हम आपको, आग लगने की तस्वीर। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आग कैसे लगी, आग के लगने के कारण क्या कुछ सामने आए? देखिए, प्रथम दृष्टया ये आग की वजह जो बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, और जहां पर आग लगा है वो एसीसीएल के मुख्यालय के पीछे जो एक बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग, उस पर आग लगी है। तो कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग पर पुराने सामान थे, पुराने कागजात थे, इसके साथ पुराने दस्तावेज थे, जो एसीसीएल से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज वहां पर रखे हुए थे, तो वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। हालांकि एसीसीएल प्रबंधन जब मौके पर मीडिया वहां पर पहुंची तो उनको रोकने की कोशिश की गई। फिलहाल 3 फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था रात को ही, और तीनों दमकल के जरिए उस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। देर रात आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसके साथ ही सरकंडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि आखिर क्या कुछ वजह थी कि आग इतनी भीषण वहां पर लगी। जी बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। तो आग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया है। और अब बात जबलपुर की भी करेंगे, जहां नकली नोटों के कारोबार का खुलासा हो गया। ठेला लगाने वाले की चतुराई से ये बड़ा खुलासा हुआ है। दुकानदार को जादू दिखा रहे थे ये सभी जालसाज। ये भी बता दें कि जादू के चक्कर में ये जालसाज पकड़े गए। नकली नोट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। 7.5 लाख के नकली नोट भी इनसे बरामद किए गए हैं। 3 गुना करने का लालच देकर ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है कि कब से ये लोग नकली नोट का कारोबार चला रहे थे, कहां पर ये कारोबार चल रहा है, कौन कौन इसमें संलिप्त है, सभी पहलुओं पर अभी जांच हो रही है। शंका हुई कि ये लोग उसे नकली नोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में 489B और 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश की गई और इसमें एक आरोपी गोपाल अवस्थी है, माड़ोताल निवासी, जो पुलिस की गिरफ्त में आया और जिसके पास से चाकू बरामद किया गया है, और दूसरा आरोपी नितिन उर्फ सिद्धार्थ सेन है, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इनके पास से 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिनकी कुल नकली नोट की कीमत लगभग 7.5 लाख रुपये के आसपास है, और अभी पूछताछ और इनसे विवेचना के दौरान की जा रही है, और इसमें इनके कुछ अन्य साथियों के भी नाम सामने आ सकते हैं जिनकी तलाश की जा रही है। रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां पर 7 लाख की करेंसी के साथ ही युवक गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से कई देशों की करेंसी जब्त की गई। पाकिस्तान सहित कई देशों की करेंसी इससे बरामद हुई है। आरोपी का नाम फिरोज लखानी बताया जा रहा है, सूरत का रहने वाला है आरोपी, और पाकिस्तान सहित कई देशों की करेंसी इसके पास से मिली है। आखिर इतनी करेंसीज और इतनी वैरायटी की करेंसीज के पीछे के तार खंगालने में पुलिस जुटी हुई है।
सूरत का ये आरोपी रहने वाला है। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां एक 25 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का नाम जमशेद अंसारी था। वारदात की खबर मिलते ही लोग गुस्से में आ गए और रामानुजगंज संडवाल मुख्य मार्ग को जाम भी कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग इनके द्वारा की जा रही है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि 25 साल का जमशेद अंसारी रात शादी समारोह में शामिल होने रेवतीपुर गया हुआ था और रात में लौटते वक्त अज्ञात आरोपियों के द्वारा जमशेद में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। बीजापुर से खबर है, जहां एक और बीजेपी नेता की हत्या की गई है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। कैलाश नाथ की धारदार हथियार से हत्या की गई। व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष थे कैलाश नाथ। जांगला थाना क्षेत्र के कोटमिट्टा के जंगलों में ये वारदात को अंजाम दिया गया है नक्सलियों द्वारा। तो बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला जो है लगातार सामने आता रहता है। नक्सली कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और एक और बीजेपी नेता की हत्या की गई है, ये बड़ी वारदात सामने आई है। और अब जिक्र जबलपुर का, रहवासी इलाके में तेंदुए का परिवार पहुंचा है। सीसीटीवी में ये तस्वीर भी पूरी कैद हुई है। तेंदुए का कुनबा पहुंचा सेना के छावनी इलाके में, एक साथ चार तेंदुए दिखे गए। इलाके में पहुंचे तेंदुए सेना के निरीक्षण बंगले में घूमते हुए दिखाई दिए हैं। खमरिया इलाके में तेंदुए का ये पूरा परिवार नजर आया। और साथ की बड़ी खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।